दुनिया का सबसे पहला लेज वाला ऑमलेट। हे एवरीवन, क्या हाल है सबके। तो आज हम आए हैं पुरानी दिल्ली की एक शॉप में जिसका नाम है सिकंदर ऑमलेट वाला। ये फेमस है अपने अलग अलग टाइप के ऑमलेट्स की वजह से। इन्होंने निकाली एक न्यू डिश जिसका नाम है लेज वाला ऑमलेट। तो देखते हैं ये कैसे बनता है और कैसा इसका टेस्ट है। सो लेट्स गो। मैं आज आपको खिला रहा हूँ लेज। बच्चों का लेज बड़ा प्यारा सा होता है। कल का देना और एक एक दाना बराबर बराबर देना स्वाद के लिए। ये भी बड़ी एक हल्की सी क्रेड है। ठीक है, बच्चे हमेशा यही खाते हैं, फ्रूटी चिप्स, लेज वाले, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते हैं, बिंगो। मगर मेरा एक स्वाद था, वो मैंने आपको बताया कि लेज ऑमलेट में बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है। और वो फ्लेवर के साथ चलेंगे। पहले तोड़ेंगे दो अंडे, प्याज मुट्ठी भर के, और फिर डालेंगे मिर्चे के, देखो अदरक। देखिए स्वाद बनाएंगे जो पुरानी दिल्ली की गलियों के अंदर, यहाँ सीताराम बाजार में है, मैं वो ज़रूर खिलाऊँगा। मिर्चे लाल वाली और ये बाऊजी वाला मसाला जो 15 से 18 मसाले में भून के डालता हूँ। अच्छा। और वही स्वाद के साथ चलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग नई नई चीज़ें देनी चाहिए मार्केट के स्वाद के हिसाब से। और मैं एक आधी कोई ना कोई आइटम ज़रूर लाता हूँ। और इतना प्यार देना सबका, ये भी बहुत ज़रूरी है। उस प्यार के साथ ही चलेंगे और अच्छी सी चीज़ों के साथ तैयार करते हैं लेज ऑमलेट। कहीं आपने खाया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी देखूँगा कॉमेंट सेक्शन में। और स्वाद के अंदर कितने राज हैं मसालों के जब हाथ से डाले जाते हैं पुरानी दिल्ली के अंदर, वो भी ज़रूरी है। ये गया भाई पैन में हमारा ये। अब आप ये सोच रहे होंगे ये लगाएगा कैसे और लेस को बनाएगा कैसे और आमलेट के अंदर क्या राज रह जाएंगे। हाँ, मैं वो भी दिखाता हूँ क्योंकि कहना आसान है लेस आमलेट बना रहा है, कभी कुछ चीज़ बना रहा है, मगर हाँ एक हल्का सा फ्लेवर निकाल के देना, उस टेस्ट को बना के देना, यही मैंने अपने बाऊजी से सीखा है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पंजाबी पापड़ हो, मगर उसको निकालना और हल्का हल्का देना और एक एक दाना बराबर बराबर देना स्वाद के लिए, ये भी बड़ी एक हल्की सी क्रेड्स है। आप देख सकते हैं मैंने बराबर बराबर लगाया है। फिर एक बॉयल एग लगेगा इसके अंदर जो इसको थोड़ा सा और क्रंची करेगा। टमाटर थोड़ा थोड़ा और करते हैं, स्वाद को और बढ़ाते हैं। ये धनिया आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया। अब एक रह गया वो बाऊजी का आशीर्वाद, वो ज़रूर डालूंगा मसालों के अंदर जो मुझे विरासत में मिला। और बाऊजी का आशीर्वाद है, कहीं भी कोई चुटकी लगा दो तो बड़ा अच्छा स्वाद बन जाता है, मैं वो ज़रूर खिलाऊंगा आपको। कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये लेज वाला ऑमलेट। जी हाँ, जैसा कि भैया ने बोला है कि कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताओ कि किसने पहले ऐसा लेज वाला ऑमलेट खाया है। और मैं बता दूँ आपको, कहीं चाहने वाले अंडों के अंडे के फंडे हैं और वो घर पर बड़ी ट्राई करते हैं, कहते हैं सिकंदर जी की तरह पानी वाला भी रेडी कर लूँ। उन्होंने बड़ा चिपकाया है ऑमलेट, मगर वो चीज़ें सब अलग हैं। मैं आपको वही स्वाद के साथ चल रहा हूँ और ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो चीज़ अलग होती हैं सर। नहीं, जो जो घर पे नहीं कर सकते, आपको घर पे मैं अंडा नहीं खाता, मगर मैं तो खिलाता हूँ, मेरा तो काम है जी। ठीक है जी, आइएगा पलटा लगाते हैं। लोगों को पता क्या सोचते हैं, इसके अंदर गीलापन आएगा नहीं आएगा, मगर मैं आपको ऐसा करूँगा क्रंची के अंदर हो, इसके अंदर बिल्कुल ऐसा ना लगे और बिल्कुल क्रंची सा स्वाद आए, वो खिलाऊँगा आपको मैं। ठीक है जी, क्रंची और क्रिस्पी होने वाला। हाँ, वही चीज़ चलेंगे क्योंकि पुरानी दिल्ली के जो स्वाद है और उसके मसाले जो हैं वो भी ज़रूरी हैं इसके अंदर देना। इसके अंदर डलेगी तंदूरी मेयोनीज। ये है हमारी तंदूरी मेयोनीज जी। स्वाद निकाल रहे हैं तो उसका ऐसा निकालें कि यहाँ तक आए और आदमी चखे जाए तो मज़ा आ जाए, वो चीज़ भी ज़रूरी है। मतलब सिकंदर भैया आप कोई भी ना टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। नहीं, होना नहीं चाहिए यार ऐसा। यहाँ तक आए और पुरानी दिल्ली की गलियों के अंदर वही मसालों का जादू और टेस्ट का जादू ना मिले और अलग फ्लेवर ना मिले तो मेरी निगाह में मज़ा नहीं आता। मैं उस फ्लेवर के साथ आप देख सकते हैं कि एक एक दाना बड़ा क्रंची सा लगाया है मैंने। हाँ जी, हाँ और जी। वो चीज़ नज़र आनी चाहिए, ये देखिएगा आप। ठीक है, आइएगा बाकी की प्रेजेंटेशन पे देखते हैं और उसका और स्वाद बनाते हैं थोड़ा सा। अभी दुल्हन सजेगी फिर दिया जाएगा। ठीक, ये देखो गाइस प्लेटिंग लग चुकी है लेकिन इस पर गार्निशिंग हो रही है अभी। ये मेरी प्लेट रेडी है, आप भी खाइएगा और अपने व्यूअर्स को बताइएगा कि लेज ऑमलेट का स्वाद क्या रहा। ठीक है जी, सो लेज वाला ऑमलेट काफी यूनिक डिश है। आप सब लोग सोच रहे होंगे क्या बनाते हैं अंकल, खामा खाके की डिशेस बनाते हैं। जेन्युइनली इसका टेस्ट काफी सही था। लेज और ऑमलेट का जो मिक्सचर उन्होंने बना के दिया काफी सही मिक्सचर था वो। मेरे को तो उसका टेस्ट काफी सही लगा और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार शॉप में जाएं और टेस्ट करें। शॉप की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दैट्स द वीडियो, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट डाउन बिलो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस।